फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको X6 न्यू एंड्रॉइड मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल फोन का जो ईयर स्पीकर होता है ऊपर वाला अगर ये काम नहीं कर रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फोन का जो ऊपर वाला ईयर स्पीकर अगर काम नहीं कर रहा था, इसके सॉल्यूशन के लिए करना क्या है। देखिए सबसे पहले तो आपको जो अपने मोबाइल फोन को एक बार ना रिबूट कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन में ये फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको ना नीचे की साइड ऐप्स का ही ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में सबसे ऊपर सिस्टम ऐप का ही ऑप्शन टैप करना है। इस वाले पेज में आपको नीचे की साइड ये एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज में स्टोरेज का ही ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको नीचे क्लियर कैच का ही ऑप्शन टैप करना है। तो आपका ये पेज आता है, इसे ओके करना है, तो आपका कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का ना सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। इसके लिए पहले फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिक्योरिटी अपडेट आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड ना सिक्योरिटी अपडेट का ही ऑप्शन आता है, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा। सिक्योरिटी अपडेट का ही ऑप्शन टैप करेंगे तो आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम ये करना है, आपके मोबाइल फोन का जो ऊपर वाला ईयर स्पीकर होता है ना, इसे आपको हल्के हाथों साफ करना है। होता क्या, इसमें थोड़ी बहुत धूल मट्टी जमा हो जाती है जिसके कारण ये काम नहीं करता है। तो ध्यान रखिएगा, ईयर स्पीकर को आपको ना हल्के हाथों साफ करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते ना, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सबसे ऊपर आपको सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, ठीक है। आपको नीचे की साइड ना फैक्ट्री रीसेट का ही ऑप्शन आता है, फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज में नीचे इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है। आपका ये पेज आएगा, इसमें आपको फैक्ट्री रीसेट का ही ऑप्शन टैप करेंगे तो इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन का जो ऊपर वाला ईयर स्पीकर काम नहीं कर रहा है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या आप अपने फोन के डेटा का बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है ना। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करना है, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सभी प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर है ना, वहां पर आपको चले जाना, अपना फोन वहां पर दिखा दे रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी जिसके कारण आपके फोन का ईयर स्पीकर काम नहीं कर रहा है। मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए, ठीक है ना।